अच्छा, सी प्लस टू क्लास का टॉपिक डिस्कस करेंगे ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन एंड फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी कि अपने को इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो जिद तक की पता करनी है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। जो डायग्राम की गल करिए डायग्राम के दे देखो साढ़े को एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। शीट यानी कि जमें एक पेज होंगे है उस टाइप की एक शीट है जिद तो सारे उत्ते है पॉजिटिव चार्ज पे है। हूँ जिड़िया साइडा ने इस टाइप में क्यों है ने? क्योंकि इनफाइनाइट शीट हैगी है, बहुत लंबी हैगी तक कई साइड तो इसने दोनों साइड तो इस तरीके शो की हैगी है। हूँ असं एक गॉसियन सर्फेस लवेंगे यानी कि एक सिलेंडर ले लिया आ सिलेंडर है क्योंकि सू गॉसियन सर्फेस लेना पैना ता ही इसे गॉस थ्योरम यूज़ करेंगे असं। हूँ जो देखिए जे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है इधर बाहर हो जानी है जिन्होंने असं ई वन भी कह सकते हैं ई कह लो कोई गल नहीं है। तो जोड़ा एन कैप होंगे यूनिट वैक्टर वो की है आउटवर्ड रहना है। सेम इस साइड भी साढ़े को ई की हैगी है आउटवर्ड हैगी है, मतलब इतने छोटा जा एरिया लेना डी एस डी एस करके ई किधर होनी है साढ़े को आउटवर्ड रहनी हैगी है। ठीक है, तो एक डी एस इतने ला लेंगे क्योंकि स्मॉल एरिया लेके चलेंगे डी एस जिद करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जानी है आउटवर्ड हो जानी है। सेम इस तरीके छोटा जा एरिया की है साढ़े को डी एस जिद करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है वार में हैगी है। तो जिरा सिलेंडर है इस टाइप का सिलेंडर है यानी कि जमें सीट के बच्चे पास करता है इधर ही साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड डायरेक्शन रहनी है इधर भी की होने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड रहनी है साढ़े को। हूँ जो गल करिए लैके चले है असी कंसीडर करिए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज जी सरफेस चार्ज डेंसिटी की है सिगमा हैगी है जानि कि चार्ज पे है किन्ने सरफेस के उत्ते होंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी उन्होंने कितना नोट करते हैं सिगमा वो की है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आ चार्ज ऑन द शीट। ठीक है, तो अपने को है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ई किसी पॉइंट पी के उत्ते फ्रॉम द शीट यानी कि कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे असं फ्रॉम द सिमेट्री वी फाइंड द ई ऑन द आइदर साइड ऑफ द शीट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ शीट हैविंग सेम मैगनीट्यूड एट ऑल द पॉइंट। ठीक है, इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द शीट। हूँ देखो अपने को है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी साइड फाइंड आउट करनी है। हूँ जो देखिए जिनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड पर हैगी है उन्नी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होनी है इस साइड पर होनी है क्योंकि जो विचार एंगल है वो कि इस साइड तो कॉस थीटा कितना होता है जीरो इस साइड भी कॉस थीटा जीरो है जो देखिए इस साइड भी कॉस थीटा कितना है जीरो है जे इतने इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करेंगे तो इतने जो एंगल है वो 90 बन जाए जो एंगल 90 बनना है तो कॉस 90 होता है जीरो करके इन पॉइंटों के उत्तर किसी भी साइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो उत्थे की होना है वो वैल्यू जीरो आनी है तो करके बाकी पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इफेक्ट ही नहीं कर रही है तो सिर्फ किड़े पॉइंट इफेक्ट कर रहे हैं एक जरा इस साइड आउटवर्ड है एक जरा इस साइड आउटवर्ड है। तो जब आप देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने बराबर आनी है हूँ जी टोटल फ्लक्स है टोटल फ्लक्स कितने बराबर आनी है कि साढ़े को होंगी है ई डॉट डी एस पहले रीजन की फिर दूसरे रीजन की ई डॉट डी एस क्योंकि देखो जो आप डायग्राम में देखिए आप दो साइड लेके चले गए एक साइड जरा इस साइड आउटवर्ड रही जी इस साइड दूसरी हैगी है दोनों साइड की एक साइड की आपने ई ले ली दूसरे साइड की भी ई लेके चले क्योंकि दोनों साइड सेम आनी है जब आप कैलकुलेट भी करेंगे। हूँ जो डॉट है डॉट ला के हटा के असं लावे कॉस थीटा मान लो फर्स्ट साइड की है आई साइड की है सैकंड साइड की हैगी जो डायग्राम में भी देखिए मान लो आज कि साइड होगी फर्स्ट रीजन की होगी तो आह वाली कि होगी सैकंड रीजन की तो करके तुम फर्स्ट तो सैकंड लेके चले गए। हूँ जो डॉट हटावे तो कि लावे कॉस थीटा ई डी एस कॉस हूँ कॉस किन्ना जीरो है। ठीक है, तो दूसरे रीजन का भी की बन जाना ई डी एस कॉस जीरो कितना होता वन तो साढ़े को इधर कितना बन गया ई डी एस इधर भी कितना रह गया ई डी एस तो दोनों के बीचों ई कॉमन कढ़ लेंगे बाहर कढ़ देंगे क्योंकि कॉन्सटेंट है तो कितना आ गया साढ़े को ई बाहर निकल जानी अंदर की आ गया डी एस तो दूसरी साइड तो ई ई बाहर कढ़ लेंगे अंदर की आ गया साढ़े को डी एस। हूँ जे देखिए जिहड़ा ई इस डी एस की इंटीग्रेशन की होगी एस प्लस ई डी एस की इंटीग्रेशन कितनी होगी एस तो साढ़े को जी टोटल फ्लक्स है फ्लक्स में कितना डोनोट करते हैं लेके चल पे असं फाइनल डोनोट करते हैं तो टोटल फ्लक्स कि बराबर आ गई टू ई एस के बराबर आ गई इन्हों कह दो फस्ट नंबर इक्वेशन नाम दे दो। हूँ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की कहती है कि जोड़ा ई डी एस होंगे वो कि बराबर होंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे। हूँ जो आप गल करिए जोड़ा टोटल चार्ज क्यू है ठीक है क्यू कि बराबर है क्योंकि क्यू जी शीट है वह हमारा टोटल चार्ज कि बराबर है साढ़े को क्यू बराबर है सर्फिस चार्ज डेंसिटी इंटू सर्फिस कितना है यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी है सिग्मा इंटू एस बराबर है तो इतने पुट कर देंगे असं तो कितना आ गया साढ़े को ई डी एस इक्वल टू आ गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनू दे दो इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, देखो क्यू कि बराबर आ गया सिग्मा एस उन्होंने इतने पुट कर तो साढ़े को कितना बन गया ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनू इक्वेशन नंबर देता टू। हूँ फ्रॉम वन टू देखो इधर जो ई डी एस कि बराबर है टू ई एस के बराबर है ये जो ई डी एस कि बराबर आ गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो दोनों इक्वल रख लेंगे तो फ्रॉम वन एंड टू
साढ़े को टू ई एस कि बराबर आ गया सिगमा एस अपोन एप्सिलॉन नॉट। हूँ एस नाल एस कैंसल आउट हो जानी है तो जी ई है ई कि बराबर आ गई सिगमा अपोन टू एप्सिलॉन नॉट। यह है सरफेस चार्ज डेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हूँ कई बार हो जाता है कि जे जी थिन है देखो थिन तो ही है कि मान लो आ शीट हैगी है आ कि एक थिन शीट हैगी बहुत पतली शीट है थिन शीट है देखो ये थिकनस की है बहुत घट हैगी थिन शीट हैगी वाली पर जो साढ़े को थिंक शीट आ जाए यानी कि एक मोटी शीट आ जाए फिर उसकी सर्फिस चार्ज डेंसिटी की होनी है। हूँ जो शीट की होगी साढ़े को थिक होगी थिंक यानी कि मोटी शीट होगी मोटी शीट का मतलब यह है कि जिम्मे कोई इस टाइप की कॉपी हो ठीक है कॉपी के दो साइडा बन गई ना एक साइड आ होगी देखो थिंक शीट है मोटी शीट है ना एक साइड की होगी डेंसिटी आ साइड की हो जानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो दूसरी कड़ी होनी है इस साइड की हो जानी है क्योंकि थिंक शीट है दोनों साइड हो जाने इधर भी की होनी है ई कि बराबर होनी है सिगमा पॉन टू एप्सिलॉन नॉट इधर भी की होनी है सिगमा पॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो जी टोटल थिंक शीट यानी कि जिन्हें मोटी शीट हैगी है यदि कितनी होनी है अपने को फाइंड आउट करनी है तो थिंक शीट के जी टोटल अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जानी है वो किसी को आ जानी है आपको पता दोनों साइड की कितनी होनी है जी ई है दोनों साइड की कितनी होनी है सिगमा अपोन टू एप्सिलॉन नॉट इन ई वन कह दो दूसरे सरफेस की कितनी होनी है ई टू के बराबर होनी है सिगमा अपोन टू एप्सिलॉन नॉट क्योंकि दोनों साइड की होनी तो बराबर है बट होनी अलग अलग है जी फिर टोटल ई के बराबर आ जानी है ई वन प्लस ई टू तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो जो दोनों की वैल्यू पुट करा तो कितना बन गया सिगमा अपोन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिगमा अपोन टू एप्सिलॉन नॉट तो टोटल ई के बराबर आ गई दोनों का एलसीएम लवेंगे एलसीएम लैके ऊपर कितना बन जाना टू सिगमा टू नॉट टू कैंसल आउट हो जाना तो नैट कितनी आ जाने सिगमा अपोन एप्सिलॉन नॉट टू नॉट तो टू तो कैंसल आउट हो जाने तो टोटल कितनी आ जानी अपने को सिगमा अपोन एप्सिलॉन नॉट इंटेंसिटी आ जानी है।